जैसे कहते हैं हवलदार, थानेदार कहते हैं ना, ऐसे ही वो है केदार। क्या का कहा जाता है ब्रह्मा को, और ब्रह्मा तो मनु है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, मनु से सारी मनुष्य सृष्टि हुई, तो उसी की यादगार केदारनाथ भी है, बद्रीनाथ भी है, रामेश्वरनाथ भी है, एक ही है जो अलग अलग नामों से विख्यात हो गया। और बाबा 16 कलाएं कौन कौन सी, चंद्रमा की 16 कलाएं कौन कौन सी हैं बताएंगे? चंद्रमा की कलाएं होती हैं 16? 16 कला संपूर्ण चंद्रमा होता है या नहीं? हाँ ना तो करो, होता है तो उसकी अलग अलग कलाएं होती हैं, हैं कि कलाएं बढ़ती हैं तो रोशनी बढ़ती है, और कलाएं घटती हैं तो रोशनी घटती है। ऐसे ही आत्मा की जब शक्ति बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है, तो उसे कहेंगे कलाएं बढ़ रही है, और आत्मा की शक्ति क्षीण होती है तो कहेंगे कलाएं क्षीण हो रही है। अभी कलयुग के अंत में मनुष्य आत्माएं कलाहीन हो गई, देवात्माएं भी कलाहीन हो गई, माना आत्मिक जो शक्तियां हैं, जो शक्तियां आज से 5000 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा से हमने भरी थी, वो शक्तियां अब क्षीण हो गई। जो ज्ञान की रोशनी हमने ली थी, वो रोशनी सब खलास हो गई, तो कलाहीन कहेंगे। जब सतयुग शुरू होगा तो देवात्माएं 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। और बाबा, वैष्णो देवी को त्रिकुटा भी कहा जाता है, तो किस काम के आधार पे ही नाम पड़ा? कूट माने पर्वत, क्या कूट माने पहाड़, जैसे कहा जाता है त्रिजटा, ऐसे ही कहा जाता है त्रिकुटा। तीन पहाड़ हैं जो वैष्णो देवी की आत्मा ने पहाड़ की चोटी जैसा ऊंचा पुरुषार्थ किया है। एक तो यज्ञ के आदि में पहाड़ का पुरुषार्थ किया, नीचा पुरुषार्थ किया या ऊंचा पुरुषार्थ किया? ऊंचा पुरुषार्थ किया, पहाड़ की चोटी जैसा। और फिर दूसरा जन्म लेकर के बेसिक में भी नीचा पुरुषार्थ किया ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में, या ऊंचा पुरुषार्थ किया? ऊंचा पुरुषार्थ किया, तो हिमालय पुत्री कही गई, कौन? पार्वती। हिमालय किसे कहा जाता है? हिम, हिम माने बर्फ का आलय माने घर, जो बर्फ का घर है। कितना ऊंचा पहाड़ है, उससे ऊंचा पहाड़ कोई दुनिया में है नहीं, लेकिन वो तो स्थूल पहाड़ है। कोई चैतन्य पहाड़ भी होगा, हाँ, तो चैतन्य पहाड़ भी है हिमालय राज। वो ऐसा पहाड़ है जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा बर्फ की तरह ठंडी है। क्या एक तो ऐसी बुद्धि होती है कि थोड़ी सी बात कह दो उत्तेजित हो जाएगा, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बर्फ की तरह जाम रहने वाली बुद्धि। हिमालय तो वो भी पहाड़ है।
पार्वती भी कहाँ की रहने वाली? पहाड़ की रहने वाली। तो दूसरा पहाड़, दूसरा कूटी ये हो गया। फिर तीसरा है एडवांस पार्टी का पहाड़ पुरुषार्थ। क्या पहाड़ तो है हिमालय, लेकिन हिमालय पहाड़ में भी अलग अलग चोटियां हैं कि एक ही चोटी है? अलग अलग चोटियां हैं। कोई चोटी का नाम धौलगिरी श्रेणी। क्या धवल? धवल माने सफेद, सफेद में, सफेदी में सबसे ऊंची श्रेणी धवलगिरी कहा जाता है। और सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट। ईस्ट में है या वेस्ट में है? एवरेस्ट, जहां से सूर्य उदय होता है। सूर्य कहां उदय होता है? पूरब में उदय होता है। जो अष्ट देवों की यादगार दिखाई जाती है उसमें भी जो उत्तर पूर्व का कोना है, सूर्य कहां से उदय होता है? उत्तर पूर्व के कोने से, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वहां उसको दिखाया गया है। उसका नाम है, क्या नाम है? अष्टदेवों में से उस देवता का नाम है महादेव, ईश्वर। क्या? शासन करने, ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। जो शासन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है, दिलों के ऊपर शासन किया है, जोर जबरदस्ती शासन नहीं किया है। इसलिए शंकर जी के लिए ही ऐसे कहते हैं कैसे कि स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, कोई के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो ये दिलों के ऊपर राज्य करने वाली बात है या जबरियन राज्य करने वाली बात है? दिलों के ऊपर राज्य करने वाली बात है। इसलिए ईशान कोण में ईश्वर को दिखाते हैं, महादेव को दिखाते हैं। तो पहाड़ जो है हिमालय पहाड़, उसमें पश्चिम के पहाड़ भी हैं, मध्य के पहाड़ भी हैं और एकदम पूर्वी साइड में भी एक चोटी है ऊंचे से ऊंची दुनिया की, उसका नाम है एवरेस्ट, एवर ईस्ट। उन दोनों शब्दों को मिला के बना एवरेस्ट। तो वो तो बहुत ऊंची चोटी है, तो वहां भी जाकर के पार्वती ने पुरुषार्थ किया होगा या नहीं किया होगा एडवांस पार्टी में? है उस ऊंची से ऊंची स्टेज में भी जाकर के पुरुषार्थ किया है। इसलिए वैष्णो देवी को क्या कहा जाता है? त्रिकुटा। और बाबा एक मुक्ति में आया है, आगे एक भिलनी आती थी, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया क्योंकि जादू का डर था। भगवान को भी जादूगर कहते हैं, भिलनी को? भिलनी भी नाम दिया है, भंगिन भी नाम दिया है, मैत्रानी नाम दिया है। एक मेहतरानी आई थी पहले पहले, सबसे पहले सत्संग में, वो आते ही आते सबके सामने, पूरी सभा के बीच में आते ही बाबा से लिपट जाती थी, गले से लिपट जाती थी। उसे अपने रोके रोकना ही नहीं होता था। जब उसके परिवार वालों को पता चला तो जबरदस्ती उसको ले गए। आदमी भी ऐसे होता है। और एडवांस पार्टी जब शुरू होती है, बेसिक पार्टी का अंत होना शुरू होता है, तो अंत में भी ऐसे होता है, वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के आती है, पहले पहले सरेंडर होती है। परंतु उसके जो बेहद के परिवार वाले हैं वो उसको टिकने नहीं देते।
और बाबा शिव के मंदिर को देखते हुए शिव मंदिर शिव जी शिवलिंग को छोटी सी कोठड़ी में बैठाते हैं शिवलिंग को छोटी सी कोठड़ी में बैठाते हैं शिवलिंग को छोटी सी कोठरी बड़े मंदिर नहीं होते हैं शिवलिंग को अमूमन छोटी सी कोठरी में अलग से बैठा नहीं भले छोटी सी वो तो ठीक है रास्ता चलते शिवलिंग बना देते हैं शिव का जो उपासना है वो तो इतनी व्यापक है कि बड़े से बड़े मंदिर सोमनाथ भी बनाए हैं और रास्ता चलते भी कहीं भी शिवलिंग बना दो पूजा कर लो भाग जाओ ऐसे नहीं सब जगह छोटे छोटे मंदिर बनाते हैं हाँ जगदम्बा के लिए बोला है जगदम्बा के जहाँ कहीं भी मंदिर बनाएंगे छोटा सा मंदिर बनाएंगे छोटी सी मूर्ति बनाएंगे और वहाँ बैठा देंगे कोई भी कॉलेज देखो स्कूल देखो उसके गेट पर ऊपर एक छोटा सा ताक होता है और उसमें जगदम्बा की मूर्ति रख देते हैं मंदिर तो शिव का बहुत बड़ा ही है सरस्वती अंदर फिर लक्ष्मी नारायण के या राम सीता के ज्यादा राम सीता के मंदिर भव्य मंदिर नहीं बनते उतने लेकिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर भव्य मंदिर बनाए जाते हैं शिव के मंदिर भी इतने बड़े बड़े भव्य नहीं बने हाँ जब सतो प्रधान पुजारी थे तो शिव का भव्य मंदिर बनाया था सोमनाथ मंदिर और बाबा अष्टदेवों के बारे में कहा जाता है कि वो डायरेक्ट बाप के बच्चे हैं मतलब कि उनके और बाप के बीच में कोई मीडिया नहीं होता उनको ज्ञान देने वाला कोई नहीं होता क्या ज्ञान देने वाला मतलब कि मीडिया कोई नहीं होता डायरेक्ट बच्चे का मतलब जिन्होंने जिनके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है दादाओं का भी किसने इन अष्टदेवों ने तो जिन्होंने दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है उनको श्रृंगार करने वाला कौन होगा आदि में भी श्रृंगार किया दिव्य गुणों से अंत में भी श्रृंगार करते हैं वही ज्ञान रत्नों से तो उनको कौन श्रृंगार करेगा कोई दीदी दादी दादाएं होंगे गुणों से या ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने वाले कोई भी मनुष्य हो सकते हैं क्या नहीं उनका डायरेक्ट श्रृंगार कौन कर सकता है? है अगर कोई श्रृंगार करे तो फिर वो उन्हीं के होकर के रह जाएंगे 63 जन्मों में और 63 जन्मों में उन्हीं के होकर रह जाएंगे तो बाप को तो फॉलो नहीं करेंगे फिर तो उन्हीं को फॉलो करेंगे लेकिन वो तो जन्म जन्मांतर किसको फॉलो करते हैं बाप को फॉलो करने वाले हैं और बाबा राम को मृग के पीछे दौड़कर खा गया माया मृग है ना तो राम की आत्मा पुरुषार्थी नहीं है क्या पुरुषार्थी है तो माया मृग के पीछे दौड़ती नहीं होगी है मृग होता है ना उसकी एक तृष्णा बहुत प्रसिद्ध है मृग तृष्णा भागता फिरता रहता है गर्मी में चारों तरफ चिलचिलाती धूप में वहां पानी है वहां पानी है वहां पानी है लेकिन पानी कहीं भी नहीं। मिलता नहीं ऐसे ही वो राम वाली आत्मा का भी जीवन ऐसा है जिसे माया सबसे जास्ती जो सबसे जास्ती पुरुषार्थ करेगा तो माया भी उसको जास्ती पकड़ेगी या कम पकड़ेगी महारथी को माया भी महारथी बनकर के पकड़ती है और बाबा रामायण में जैसे बंदरों ने पुल बनाया तो राम राम जी के पत्थर डाले वो तो राम जी ने पत्थर डाला तो वो डूब गया है बंदरों ने डाले तो वो तैर गया है ऐसा क्यों राम जो नाम है वास्तव में वो नाम तब का है जब यज्ञ के आदि में फेल हो गया कि बाद का नाम है दूसरे जन्म लेने के बाद जब शिव बाबा प्रवेश करते हैं उस समय का नाम है राम माने फेलियर तो ये आदेश दिया क्या आदेश दिया गया दो आत्माएं हैं बंदर के रूप में नल और नील
ये दो निमित्त बनते हैं किस बात के, जो पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं उन पत्थर बुद्धियों को उठा उठा करके सागर में डालते हैं। कौन सा सागर? ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर के संसर्ग संपर्क में जब वो पत्थर आते हैं तो वो विषय वैतरणी या विषय सागर में डूबते हैं या तैरते रहते हैं? वो डूबते नहीं हैं, वो तैरते रहते हैं। तो ऐसे तैरने वाले जिनके ऊपर माया आक्रमण तो करे लेकिन उनको हराए ना सके, अभी तक माया बेटी ने कितना युद्ध किया है, युद्ध तो किया ना, युद्ध करते करते साकार शरीर भी छूट गया, लेकिन एडवांस पार्टी के जो ऐसे पत्थर हैं जो विषय वैतरणी में डूबने वाले नहीं हैं, उनको हराए नहीं सकी। तो वो जो नल नील हैं वो कौन है? है नीला पत्थर है जो नीला पार्ट बजाता है, विष जो होता है उसका रूप कैसा होता है? या तो काला रूप होता है या तो नीला रूप होता है। विषय को जो रूप कैसा दिखाते हैं, रंग कैसा दिखाते हैं? नीला। काला रंग दिखाते हैं और मोस्टली नीला रंग दिखाते हैं। जितने भी निशिचर हैं राक्षस रामलीला देह खेलते हैं तो कैसे कपड़े पहनाते हैं? काले कपड़े पहनाते हैं। काले होते हैं या भाव स्वभाव संस्कार से काले होते हैं? भाव स्वभाव संस्कार से काले होते हैं। तो ऐसे कालों से टक्कर लेने के लिए महाकाल को निमित्त बनाया जाता है। महाकाल पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? वही जिसे शंकर कहा जाता है। सारी सृष्टि में जो भी विषय फैला हुआ है उस विषय विकार को हप करने वाला, तो नीला रंग दिखाया गया है। और दूसरा जो पार्ट है उसके मुकाबले माता के रूप में वो पार्ट कृष्ण वाली आत्मा का है। उनकी जो जीवन धारा है उसको कर्मों में फॉलो करने के लिए क्यों बोला गया है? उनके कर्म काले थे या श्वेत थे? सफेद थे। तो लो नल नाम रखा गया और उसका नाम नील रखा गया। इनके बुद्ध रूपी हाथों में जो भी पत्थर आए वो चैतन्य पत्थर जब ज्ञान सागर में कहो इस विषय सागर में कहो तैराए जाते हैं तो वो डूबते नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी भगवान के लिए कहते हैं भगवान हमारा हाथ थाम लो। क्या? अपने हाथ से हमारा हाथ थाम लो। हाथ कौन सा? बुद्ध रूपी हाथ है जिसको थामने की बात है। और बाबा प्रजातंत्र राज्य की शूटिंग कैसे होती है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में राम का राज्य चल रहा है या प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चल रहा है? माया मधुबन में आती है या नहीं आती है? राम का राज्य होगा तो माया मधुबन में आवेगी? तो मधुबन में भी राम का राज्य नहीं है। अरे सारे मधुबन के ब्राह्मणों की तो बात भी छोड़ दो, राम वाली आत्मा का तो अपनी घरवाली के ऊपर भी राज्य नहीं है, उसको भी स्वतंत्र छोड़ा हुआ है।
बाप के घर में जो सेंटर है वो मेरे असली सूर्यवंशी बच्चे नहीं है, ये पॉइंट आया है। नंबर वार हैं नहीं, मेरे असली सूर्यवंशी बच्चे नहीं हैं, ये है पॉइंट। ये कब का पॉइंट है, कौन से सन का पॉइंट है? पढ़ा था जी मैंने, पढ़ा था ये तो जी। हाँ तो ये देखना पड़े ना कि किस समय की शूटिंग की बात है, जिस समय अष्टदेव वाली आत्माएं हैं वो अंत में निकलती हैं या आदि मध्य में निकलती हैं? अंत में निकलती है ना, तो वो आत्माएं जब निकली उस समय की बात है या उससे पहले की बात है, ये देखना पड़े। और बाबा ये जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्राह्मणों की जो परीक्षा है 2012 से ऐसी बाबा पहले है कि धूरी चेंज कर देगी तो परीक्षाएं समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। परीक्षाएं बढ़ेंगी या घटेंगी? शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, माया की टक्कर तो संसार में बढ़ती ही रहेगी, लेकिन जिन्होंने अपनी मनबुद्धि रूपी आत्मा को कंट्रोल कर लिया वो संपन्न आत्माएं कही जावेंगी, उनसे माया टकराएगी नहीं, क्योंकि माया ज्यादा पावरफुल है या प्रकृति ज्यादा पावरफुल है? माया के आक्रमण को तो बच्चों ने मुकाबला कर लिया और आगे भी मुकाबला करेंगे, लेकिन माया ने हाथ मिला लिया किससे, क्या जरूरत पड़ गई? माया कमजोर हो चुकी है। अव्यक्तवाणी में भी क्या बोला, माया अब थक चुकी है। जिस समय कागज का शेर है बोला है, माया कागज का शेर है। हाँ कागज का शेर, फिर डर क्यों जाते तो माया उतनी पावरफुल है नहीं, बल उसको टाइटल मिला हुआ है क्या, सर्वशक्तिमान, क्योंकि बुद्धि में ज्यादा तीखी है, चैतन्य बुद्धि है या जड़त्वमयी बुद्धि है? माया तो चैतन्य बुद्धि है और प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि है। रावण अंदर से भगवान को पहचानता था या नहीं पहचानता था? रावण अंदर से भगवान को पहचानता था। रावण भी जानता था, माया रावण जानता है कि ये भगवान है, फिर भी मानता नहीं। लेकिन प्रकृति भगवान को पहचानती है या पहचान से परे हो जाती है? मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, तो बाप के साथ माया रहती है या प्रकृति रहती है? प्रकृति के 5 रूप हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। ये 5 रूप जो हैं दूसरे ग्रहों पर हैं जास्ती या पृथ्वी पर हैं? पृथ्वी पर 5 ही तत्व हैं, भरमार है 5 तत्वों की। तो पृथ्वी तत्व मुख्य हुआ या दूसरे तत्व मुख्य हुए? पृथ्वी तत्व मुख्य हो गया। तो पृथ्वी माता कहा जाता है, और पृथ्वी में 5 ही तत्व विराजमान है। क्या ऐसे नहीं कि पृथ्वी में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, दूसरा तत्व नहीं है? सभी तत्व विराजमान है। जैसे माया में 5 विकार विराजमान है, माया रावण में क्या कहते हैं, 5 विकार विराजमान है। ऐसे ही जो पृथ्वी है
उसमें पांचों ही तत्व विराजमान है, इसलिए वो प्रकष्ठ कृति है भगवान की। भगवान जब इस सृष्टि पर आया था तो एड़ी से लेकर के चोटी तक की जितनी भी ताकत थी साकार और निराकार की, वो सारी ताकत किस में लगा दी? प्रकृति के निर्माण में लगा दी। कृति माने रचना और प्रमाने प्रकष्ठ। जितना मिलन मेला प्रकृति माता मनाती है, पृथ्वी माता भगवान के साथ मनाती है, उतना मिलन मेला कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं मना सकती। तो माया ज्यादा पावरफुल बनती है या प्रकृति ज्यादा पावरफुल बनती है? संग का रंग जास्ती किसको लगता है? प्रकृति को जास्ती संग का रंग लगता है। इसलिए माया को हार करके थक करके किसका आसरा लेना पड़ता है? प्रकृति से हाथ मिलाना पड़ता है। और बाबा लिंग के ऊपर फल फूल और दूध तो चढ़ाते हैं, फूल और दूध तो एक्सप्लेन हो गया, फल क्या चीज है, ये फल कैसे, इनका मीनिंग समझाइए। फल हल्का होता है या भारी होता है? भाइयों की मनबुद्धि रूपी आत्मा ज्यादा भारी होती है या कन्याओं माताओं की मनबुद्धि? कन्याओं माताओं में वो गऊ है जो पवित्र रहती हैं, उनकी मनबुद्धि रूपी आत्मा ज्यादा भारी होती है। भाइयों की फिर फल है वो फूल है, भाई फल है बिल्कुल। हाँ है, हाँ clarifications are from movies in 68. When you finish them, what will you clarify after? हाँ जी, मैं वो पूछना चाहती हैं clarification जो अभी चल रहा मूवी का, वो 68 की मूवी तक का हो जाए, जब 68 की मूवी का clarification खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बाबा कौन सा clarification? बड़ी से बड़ी पावर वाचा की है या बड़ी से बड़ी पावर वाइब्रेशन और दृष्टि की है? ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ वाचा ही चलाई गई या कर्मेंद्रियों से कर्म भी किए गए? है वाचा ही चलाई गई, वाचा भी चलाई गई और कर्मेंद्रियों से ब्रह्मा ने कर्म भी किए। जो कर्म हम बच्चों को फॉलो करने के लिए बोला गया, लेकिन कर्म इंद्रियां उतनी पावरफुल नहीं है, उनके कर्म भी उतने पावरफुल नहीं है, वाचा भी उतनी पावरफुल नहीं है। जो एडवांस पार्टी में क्लेरिफिकेशन के द्वारा चलती है, दृष्टि ज्यादा पावरफुल है। जो मुरली में बोला, ऐसी तीखी दृष्टि देंगे जो तुम बच्चे ठहर नहीं सकेंगे। क्या? जैसे अर्जुन, अर्जुन ने भगवान से क्या कहा? बस 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 बात करो, अब हम सहन नहीं कर सकते। तो जो दृष्टि की पावर है वो वाइब्रेशन को भी बनाती है और वो वाइब्रेशन ज्यादा पावरफुल होता है। ज्यादा परिवर्तन दृष्टि से सृष्टि का होगा, क्योंकि सृष्टि के परिवर्तन से, दृष्टि का जो परिवर्तन है वो वृत्ति के परिवर्तन से बनता है। ऐसी देवात्माएं जिनकी दृष्टि में कैसी सृष्टि समाई हुई होगी, दुख की दुनिया समाई हुई होगी या सुख की दुनिया समाई हुई होगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनेगी। तो वाचा अंत तक नहीं चल सकती। क्या ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भाग दौड़ की इतनी सेवा की, की या नहीं की? की, की?
और वाचा की भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बहुत सेवा कर ली। दुनिया में परिवर्तन देखने में आता है, आता है नहीं आता? ये तो स्थूल पावर है, लेकिन जो दृष्टि की पावर है, और वो भी भगवान की दृष्टि, जो देवताओं की दुनिया बनाने वाली है, वो देवताएं की दृष्टि जब चेंज होती है, दृष्टि का परिवर्तन होता है, तो सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाता है। ऐसा परिवर्तन होता है जो वाइब्रेशन को ही चेंज कर देता है। उस वाइब्रेशन में जो भी जीव जंतु आ जावेंगे, वो भी सतो प्रधान बन जावेंगे। वो जानवर ज्ञान नहीं सुनते हैं, लेकिन सतयुग में जानवर होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे। वो कैसे परिवर्तन हो जाते हैं? वो वाइब्रेशन से परिवर्तित होंगे। दृष्टि से भी परिवर्तन, किसी जानवर को बैठ के दृष्टि दो, वो दृष्टि लेगा? हाँ, दृष्टि लेगा ही नहीं। उन जानवरों की तो बात ही छोड़ो, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ब्राह्मण हैं जो कहते तो हैं मैंने बाप को पहचान लिया, लेकिन जब बाप दृष्टि देने पहुंचते हैं तो उनको जानवर बुद्धि कहें, देवात्मा की बुद्धि कहें। और बाबा है, बाली के सामने जो भी आता था उसकी शक्ति कम हो जाती थी, लेकिन उसके सामने राम भी आए और उसका खात्मा भी हो गया। राम सामने नहीं है। रामायण में और भागवत में राम कृष्ण को भगवान माना है या साधारण आत्मा माना है? भगवान माना है। तो राम के लिए दिखाते हैं कि उन्होंने बाली को मारा, वो बाली जो है वो रावण से भी ज्यादा पावरफुल था या नहीं था? हाँ, ज्यादा पावरफुल था, बगल में दबा लिया था। और जो बाली था वो जानवरों में सबसे ज्यादा विकारी जानवर था या कम विकारी था? सबसे जास्ती विकारी था। कौन सा जानवर था? बाली, बंदर था। और उसकी ये खासियत थी जो खासियत सुप्रीम सोल की खासियत नहीं है, सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ वाली आत्मा में प्रवेश करता है ये उसकी खासियत है, जिसकी यादगार में भारतवर्ष में आज भी जो तीन शेर दिखाए जाते हैं उनमें एक शेर आज भी भारत का नेशनल एनिमल माना जाता है। कौन है? टाइगर। टाइगर। जो ज्यादा पावरफुल टाइगर होता है या बड़े मुख वाला बबर शेर होता है, लाइन नहीं, लाइन ज्यादा ताकतवर होता है क्या?
लेकिन बुद्धि में तीखा नहीं होता है। जैसे देवियों में दो प्रकार की देवियां दिखाई जाती हैं, एक सिंह वाहिनी लाइन के ऊपर सवार होती है और एक बाघ अंबरी, किसके ऊपर सवार? बाघ टाइगर के ऊपर सवार होती है। तो टाइगर शेर से ज्यादा पावरफुल नहीं होता। किसकी यादगार है ये टाइगर और ये शेर? कौन सी आत्मा की यादगार है? टाइगर राम वाली आत्मा। टाइगर है राम वाली आत्मा और शेर है ब्रह्मा वाली आत्मा। सीधा साधा स्वभाव है, कोई छल छिद्र कपट नहीं है। सीधा आक्रमण करने वाला शेर होता है या टाइगर होता है? शेर सीधा आक्रमण करता है, इसलिए कभी कभी हार जाता है। और टाइगर देखेगा पावरफुल है, रास्ता नाप लेगा, किनारा कर लेगा, और जहां देखा कि हाँ अब हमारा मोर्चा मजबूत है वहीं हमला कर देता है। तो जो टाइगर है वो है राम वाली आत्मा, और वो राम वाली आत्मा टाइगर भी है और बड़े से बड़ा बंदर भी है। क्या छोटा बंदर है या बड़ा बंदर है? बंदर को किस लायक बनाते हैं? मंदिर लायक बनाते हैं। तो मुरली में बोला है तीन आत्माएं हो गई, एक शिव की सोल, एक ब्रह्मा की सोल, एक राम की सोल। और मुरली में एक वाक्य बोला है, वो बताओ किसके लिए बोला है? मुरली में बोला है बाप का तो कब सामना नहीं करना चाहिए है? वो कौन सा बाप है? राम बाप है, शिव बाप है या ब्रह्मा बाप है? है ब्रह्मा बाबा का तो बच्चों ने खूब सामना किया। आज इतनी बड़ी सामना करने वाले जो ब्राह्मण हैं वो इतनी बड़ी संस्था के मुखिया बनकर के सरपस्त बन के बैठे हुए, सारी संस्था को उंगलियों पर नचा रहे, कुछ बिगाड़ सके ब्रह्मा बाबा है? नहीं। तो ये वाक्य किसके बोला कि बाप का तो कब सामना नहीं करना चाहिए? मुरली में तो 70 साल से ऊपर हो गए शिव बाप को बोलते बोलते, और बच्चे सीधा ही कह देते हैं हम नहीं मानते इस पॉइंट को, हम नहीं श्रीमत को फॉलो कर सकते। तो निराकार को तो सभी बच्चे ठुकराए रहे हैं, सामना कर लेते हैं, लेकिन जिस बाप के लिए बोला बाप का कब सामना नहीं करना चाहिए, वो छोड़ने वाला महाकाल का पार्ट है। तो बाली के लिए भी ऐसा ही था। क्या था उसको, क्या वरदान मिला हुआ था? जो सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली में चली जाएगी। तो रामायण में जो राम है दिखाया गया वो तो भगवान है, शिव बाप की बात है, वास्तव में मारने करने वाली आत्मा कौन है, शिव बाप या राम बाप वाली आत्मा? राम बाप वाली आत्मा। सात ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, और सात ताड़ की तरह ऊंचे बने बैठे हैं आज दुनिया में,
सातों धर्म पिताएं, जिन सात धर्म पिताएं जो पिताएं सात नारायण बनने वाली आत्माओं में प्रवेश करते हैं, वह आज दुनिया में ऐसे वृक्ष की तरह ऊंचे खड़े हैं जैसे ताड़ के वृक्ष। उन सातों को एक बाप का परिचय पूरा मिल जाए तो सातों ही धराशायी हो जाते हैं। और एक बाप का परिचय, वो सात जो पावरफुल आत्माएं हैं उनको किसके द्वारा मिलता है? राम वाली आत्मा के द्वारा। और काशी करवट खाने वाले को योग बल नहीं मिलता। काशी करवट खाने वाले भक्त होते हैं या ज्ञानी आत्मा होते हैं? भक्त होते हैं। भक्त होते हैं तभी तो अंधेरे कुएं में कूदते हैं, है? कि जान लेते हैं कि इसके अंदर भगवान बैठा है। जानते हैं? जानते तो नहीं। इसकी शूटिंग यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में होती है कि नहीं? है, होती है। कैसे होती है? है? कोई भी अभी बुद्धि से ग्रैंडर नहीं हुआ। हाँ, यहाँ भी ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने बुद्धि से पूरा पहचाना नहीं है। क्या बुद्धि से न पहचानना माना भक्ति मार्ग का काशी करवट है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है कि ऐसे नहीं समझना ये आखिरी सरेंडर है, अभी दोबारा भी सरेंडर करेंगे। क्या बेसिक में जब तक पूरा निश्चय नहीं हुआ है तो कहेंगे अधूरा सरेंडर, और जब पूरा निश्चय बुद्धि बने फिर सरेंडर हो तो उसको कोई हिला सकेगा? है, फिर कोई नहीं हिला सकता। तो भक्ति मार्ग में काशी करवट खाते हैं, पूरी बात समझते नहीं है ज्ञान की। क्या जितने भी सरेंडर होने वाले हैं वो ज्ञान की गहराई पूरी समझते हैं क्या? है, नहीं समझते। नहीं समझते हैं तो उनको अंधेरा कुआं कहें या उजाला कहें, कहां कूदते हैं? अंधेरे कुएं में कूद जाते हैं। लेकिन वहां भक्ति मार्ग में तो बाप नहीं होता, और यहां तो संभालने वाला बाप बैठा हुआ है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और उसमें बोला है विषय में अर्जुन को जब ज्ञान दिया था तो उसके देने के बाद भी जगह जो जो सुनाया वो भूल जा, ऐसा क्यों? हैं, माँ भारती बोल रहा हूँ, गीता में बताया है कि जो सुनाया सो भूल जा। जो पहले उस युद्ध में सुनाया था ना उसने ज्ञान? नहीं, ये बताया गीता में कि जो अब तक पढ़ा लिखा है शास्त्रों का ज्ञान वो सब भूल जा। क्या जो दुनियावी ज्ञान पढ़ा हुआ है वो सारी बातें भूल जा, अब सिर्फ मेरे से सुन। तेरी बुद्धि रूपी चौपड़ी जो है वो लिखी हुई किताब है, इसे लिखी हुई किताब के ऊपर ब्लीचिंग पाउडर लगा दे सफेद हो जाए, फिर मेरी बात सुन। मैं जो बोलता हूं वो ही बुद्धि में छपे, दूसरी बात बुद्धि में छपनी नहीं चाहिए। आपने गलत समझ लिया। और रामायण में दिखाया कि धोबी ने सीता माँ पर कलंक लगाया, तो यह शूटिंग में कैसे? यहाँ भी ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा धोबी कौन है?
शिव बाबा। लेकिन कोई कोई धोबी बनकर के बैठ जाते हैं, बैठते हैं कि नहीं है? कोई नहीं मिलेगा कपड़ा तो अपने घर के कपड़ों को ही साफ करना शुरू कर देते हैं, हैं ऐसे ही नहीं, ऐसे भी ब्राह्मण परिवार में हैं जो धोबी ऐसा बनकर के अपन को धोबी समझते हैं कि हम भी सफाई कर सकते हैं। उनकी बुद्धि मलिन होगी या श्रेष्ठ बनेगी? मलिन हो जाती है। ऐसे कर्म करने से जो शिवो हम बन करके बैठते हैं कि हम भी वासरमैन है सुप्रीम, हम भी भगवान के सहयोगी हैं, उनकी बुद्धि ऐसी मलिन होती है कि वो भगवान को न पहचानने के कारण या पहचान के भी भूल जाने के कारण उसकी ग्लानी करते हैं, अपवाद फैलाते हैं संसार में। और बाबा बेसिक में ब्रह्मा बाबा जो बच्चे को प्यार देते सोते हुए रात को हैं, बेसिक में जो ब्रह्मा बाबा हैं तो बच्चे को रात को से सोते थे प्यार देते थे, गंदे तो नहीं है ब्रह्मा बाबा बच्चों को? जिस बच्चे सुलाते थे ना बाबा के, ब्रह्मा बाबा को सुलाते थे, ब्रह्मा बाबा देखते थे बच्चों के पैर गंदे तो नहीं है। हाँ ब्रह्मा बाबा बच्चों के पैर धोते थे? ये आपने कोई ब्रह्मा कुमारी से सुना या मुरली में पढ़ा? ब्रह्मा कुमारी से सुना। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। दुर्गति पाई। आप उनकी बातें क्यों सुनते हैं? तो कुछ भी वटरम सटरम सुनाती रहेंगी, बुद्धि खराब करती रहेंगी। कहानियां बहुत सुनाते हैं। हाँ। और बाबा है? कश्मीर को धरा पे स्वर्ग कहा गया और फिर बाबा ने कह दिया है एक वार्तालाप में कि कश्मीर में तो हर रोज ही बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, इसका क्या अर्थ है? हाँ, तो जो कश्मीर हो या कोई भी मीर हो, दुनिया में, पूरी दुनिया में नरक है या स्वर्ग है? है, सारी दुनिया में नरक है। और जिसको लोग स्वर्ग समझते हैं वो तो और बड़ा नरक होना चाहिए। तो बम ब्लास्ट होते हैं तो क्या बड़ी बात हो गई? सारी लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की कौन से देश के ऊपर है? कश्मीर के ऊपर सारी लड़ाई। और संडे को मीठा पानी नहीं देते, संडे को जैसे कहा जाता है भक्ति मार्ग में। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, हैं हैं हाँ हाँ, माने ब्रह्मा बाबा जो हैं वो विष्णु बनते नहीं है क्या? विष्णु में ब्रह्मा की आत्मा का समावेश है या नहीं है? है? तो एक भुजा को माने और दूसरी भुजा को ना माने, तो विष्णु मानना ठीक कहा जाएगा? नहीं, विष्णु तो संपन्न स्टेज वाला चाहिए, भुजा माने आत्माएं सहयोगी, चारों भुजाएं सहयोगी के रूप में माननी पड़े। और बाबा गणेश की चतुर्थी मनाई जाती है। हाँ, तो जैसे
थे, कृष्ण की तो अष्टमी मनाई जाती है, है? तो उसी दिन गणेश की चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? इसलिए मनाई जाती है कि गणेश जानवरियत वाला देवता है या मानवीय देवता है? जानवरियत वाला देवता है। तो जितने भी जानवरियत वाले देवताएं हैं वो दूसरे नारायण से लेकर के सातवें नारायण तक हैं या पहले नारायण है? न संगमयुग का पहला नारायण और न सतयुग का पहला नारायण, उनको तो जानवर नहीं कह सकते। बाकी अगर दूसरे नारायण को कह दें तो भी ठीक नहीं, और लास्ट वाले नारायण को कहें तो भी ठीक नहीं, इसलिए बीच वाला उठा लिया। क्या नारायण जो है वो श्रेष्ठ कोटि का देवता, और जब द्वापर युग की शुरुआत होती है तो द्वापर युग में उन श्रेष्ठ देवताओं का प्रभाव कम हो जाता है, और जो बीच वाले देवताएं हैं कम कला की नारायण उनका प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन द्वापर आदि में ही गणेश की पूजा होती है या द्वापर के अंत में और कलयुग के आदि में गणेश की पूजा होती है? द्वापर के अंत में, माना दूसरा तीसरा चौथा नारायण नहीं होगा, वो शुरुआत के नारायण नहीं है उस कोटि में, जो बीच में प्रत्यक्ष होते हैं उन नारायणों में से कोई हैं जो जानवर जैसे स्वभाव वाले हैं जो कलयुग में प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए गणेश की पूजा कौन से युग से शुरू होती है? चौथे युग से, द्वापर युग से शुरू होती है। और बाबा रामनवमी भी दो बार बनती है और शिवरात्रि भी दो बार भक्ति मार्ग में, बाकी और दूसरे देवताओं की जयंती एक ही बार साल में। शिवरात्रि दो बार मनती, भक्ति मार्ग में दो बार दिखाते हैं। शिवरात्रि शिवरात्रि दो बार नहीं मनाते हैं। हाँ, कृष्ण रात्रि में ही शिवरात्रि मना ली है। क्या? क्योंकि शिवरात्रि भी रात्रि के 12 बजे और कृष्ण जन्माष्टमी भी रात्रि के 12 बजे। वो इसलिए कि बाप अकेले प्रत्यक्ष नहीं होते, बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होते हैं। तो कृष्ण बच्चा वाली आत्मा जब तक संसार में प्रत्यक्ष न हो जाए तब तक बाप का गुप्त पार्ट चलता रहता है। और बाबा रथी, महारथी, संत महात्मा, ये सभी एक है या अलग अलग है? रथी महारथी जो शब्द है वो संगम युग का है, और संत महात्मा सन्यासी ये द्वापर कलयुग का नाम है। द्वापर कलयुग में संत महात्मा सन्यासी हैं। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में भी ऐसे हैं जो संत हैं, महात्मा हैं, सन्यासी हैं, शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो द्वापर कलयुग की शूटिंग कर रहे हैं। क्या संत महात्माओं के मंदिर नहीं बनते हैं? बनते हैं क्या? नहीं बनते हैं। उन्हें सच्ची प्योरिटी का अर्थ ही नहीं मालूम। असली प्योरिटी क्या है? बाबा महाभारत में युधिष्ठिर को दिखाया है जुआ में हारे, जैसे पहले पांचों पांडव हारे, तो बाबा जब युधिष्ठिर अपने आप को जब हार गए तो द्रौपदी को दांव कैसे लगाए? जो जुआ वगैरह खेला जा रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में वो कौन सा जुआ है? है? ये कौन सा जुआ है? है? नहीं, जुआ है तन धन धाम सुहृद परिवार सबकी बाजी लगा देना। क्या माना? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरा, या कि सब कुछ तेरा पत्नी मेरी
है? बाबा पहले लगाना काम था ना, लास्ट में आपने आप लगते, तो पहले तो आपने जो, आप जो अपने को ही अर्पण नहीं कर पाएगा, अपना माने मन बुद्धि को, जो मन बुद्धि को ही अर्पण नहीं कर पाएगा, वो अपना जो कुछ भी है वो कैसे अर्पण कर लेगा? वो तो फिर झूठी बात हो गई। जैसे विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को कहा, क्या कहा विश्वामित्र ने दानी हरिश्चंद्र को कहा, क्या कहा है? सब कुछ मुझे दे दो। उनका राजपाट तुमको दे दिया, सब कुछ दे दिया। फिर उन्होंने दक्षिणा मांगी, जब दक्षिणा मांगी तो उन्होंने अपने सेवकों से कहा, लाओ चाबी, इनको दक्षिणा दे दे। अरे जब सब कुछ पहले ही अर्पण कर दिया तो दक्षिणा किस बात की? माना दिया हुआ भी वापस ले लेने वाली बात है। वो चाहे राजा हरिश्चंद्र को दिखाओ, चाहे युधिष्ठिर को दिखाओ, कि पुरुषार्थ की गलतियां दिखाई हैं। और शास्त्रों में कृष्ण की मृत्यु दिखाई है, हैं? शास्त्रों में कृष्ण की मृत्यु दिखाई है और राम की मृत्यु दिखाई है। हाँ, कृष्ण का विवाह भी दिखाया गया, वो नहीं रहा बात है। जो मृत्यु है वो हद की दिखाई है या बेहद की दिखाई है? शास्त्रों में जो मृत्यु दिखाई गई है वो तो हद की मृत्यु दिखाई है, हद का अर्थ लगाई लिया। और जो बाबा मृत्यु बताते हैं हमारी ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की, वो बेहद की मृत्यु क्या है? बाबा हमें कौन सा मरना सिखाते हैं? जीते जी मरना सिखाते हैं। तो राम और कृष्ण वाली आत्माएं एडवांस ज्ञान सुनते सुनते जब जीते जी मर जाएं, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो और चाहे वो स्थूल शरीर हो, दोनों प्रकार के शरीर का भान खत्म हो जाए, तब कहेंगे देह भान से मरे। तो वो मृत्यु शास्त्रों में दिखाई गई है, बाकी ऐसे नहीं है कि कोई हद की मृत्यु हुई। और महाभारत में द्रोणाचार्य ने सिर्फ पांडवों को विद्या सिखाई थी, कर्ण और एकलव्य के साथ पक्षपात किया था, है? तो ऐसे यहाँ शूटिंग कैसे होती है? द्रोणाचार्य जो कहा जाता है उसका अर्थ क्या है? द्रोण माने घड़ा, ये क्या है? ये बुद्ध रूपी घड़ा है। इस बुद्ध रूपी में घड़े में जो भी ज्ञान भरा हुआ है वो द्रोणाचार्य की बुद्धि में दुनियावी ज्ञान भरा हुआ था या ईश्वरीय ज्ञान भर गया था? है दुनियावी शास्त्रों का ज्ञान भरा हुआ था। तो जो दुनियावी शास्त्रों का ज्ञान है उसका अहंकार होता है या नहीं होता है? उसका अहंकार जरूर होता है, मान मर्तबा भी होता है। उस मान मर्तबे के पोषण के लिए उन्होंने जो राज परिवार के बच्चे थे उनको तो शिक्षा दी, लेकिन जो शूद्र थे, सूत पुत्र थे, उनको शिक्षा नहीं दी। कोई एक भील की बात नहीं है, एक कर्ण की बात नहीं है, ऐसी ढेर की ढेर आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में भी। बड़े बड़े आदमियों को सर पे उठा करके सुनाते हैं, कोर्स भी देते हैं, तरीके से उनको उठाना चाहते हैं, और जो जिनके पास कुछ भी नहीं होता मान मर्तबा उनको ऐसे ही चला देते हैं। बाहर की दुनिया में भी ऐसे ही है,
जो पैसे वाले हैं वो दुनिया भी पढ़ाई ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, या जो बहुत गरीब हैं वो पढ़ पा रहे हैं? हाँ, उनमें से कोई कोई ऐसे हैं प्रतिभावान, क्या कि उनको सरकार से कोई मदद मिले या न मिले, लेकिन वो अपनी पावर से पढ़ करके होशियार बन जाते हैं।